नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्लोबल एटॉमिक नेटवर्क टीम वारियर में। दोस्तों दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट न्यूज़ है और बहुत ही गुड न्यूज़ है। जैसा कि आप सभी को पता था कि एटॉमी इंडिया ने माइग्रेशन जो डेट है वो 31 मार्च तक बढ़ा दी है, रिसेंटली न्यूज़ है। और आप लोगों की जो टीम है, अगर अभी तक आपने KYC कंप्लीट नहीं की है तो आप 31 मार्च 2021 तक का जो 3 महीने का जो टाइम है वो एक्सटेंड किया है। ओके, जैसा कि आपको पता है कि 21 दिसंबर टाइम दिया था एटॉमी इंडिया की तरफ से, और बाद में इन्होंने 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ाया है एटॉमी की जितनी भी आईडी है उसका माइग्रेशन करने के लिए। तो जिन लीडर्स ने अपनी टीम की आईडी माइग्रेशन नहीं की, सबसे पहले आप उनकी KYC कंप्लीट कीजिए, पैन कार्ड वेरीफाई कीजिए अगर पैन कार्ड वेरीफाई नहीं है तो, और आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, एड्रेस आईडी प्रूफ वेरीफिकेशन में इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट डालना है, उसका फ्रंट एंड बैक आपको अपलोड करना पड़ेगा। ओके, और इसके कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको हम बता रहे हैं। जैसा कि एटॉमी के जितने भी लीडर्स हैं, 2 से 3 साल से काफ़ी लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, और उसके बाद क्या है कि टीम सभी का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी टाइम लगता है KYC करने में। ओके, तो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो एटॉमी इंडिया ने सभी लीडर्स की जो रिक्वेस्ट है वो आप सभी ने जितना भी सजेशन दिया है, जितना भी टॉप लीडर्स ने रिक्वेस्ट किए, तो उन्होंने 31 मार्च 2021 तक का जो टाइम पीरियड है ये बढ़ाने का दिया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आप अपने KYC कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और इसमें कुछ गाइडलाइंस हैं वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करके बता रहा हूँ। फर्स्ट है, अगर गलती से 2 आईडी को 2 अलग अलग आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट का उपयोग करके बनाई गई है तो केवल 1 आईडी को ही माइग्रेट करेगा। अगर आपने गलती से 2 आईडी रजिस्ट्रेशन कर रखी है एक व्यक्ति की, तो उसमें से सिर्फ एक का KYC आपको करना है और दूसरी जो आईडी है वो आपको रिमूव करवानी है एटॉमी इंडिया ऑफिस में कॉल करके, राइट। सेकेंड है, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ने अलग अलग आईडी बनाई गई है तो केवल आप एक ही आईडी को माइग्रेशन करना है आपको। ओके, थर्ड पॉइंट है, माइग्रेशन पूरा करने के लिए अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो मत कीजिए। डॉक्यूमेंट नंबर को सही तरीके से आप डालिए, अगर आप आधार कार्ड डाल रहे हैं तो आधार कार्ड का नंबर डालिए और उसका फ्रंट एंड बैक अपलोड कीजिए। सेम वे में कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो उसका नंबर सही डालना है आपको और फ्रंट एंड बैक अपलोड करना है वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पे एटॉमी इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने के लिए सदस्य द्वारा माइग्रेट की गई आईडी पर उसकी सहमति होना अनिवार्य, जो भी एटॉमी की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपको एग्री करना है वहाँ पे। ओके, और माइग्रेट की गई आईडी पर सभी गतिविधियां केवल डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा ही स्वयं की जानी चाहिए, किसी अन्य परिवार के सदस्य द्वारा गतिविधि नहीं की जानी चाहिए। यानी कि माइग्रेट की गई जितने भी आईडी हैं, जो भी उसकी गतिविधियां हैं, केवल डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा ही स्वयं की जानी चाहिए, परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा मत कीजिए। अगर आपने आईडी क्रिएट की है तो आप अपनी आईडी का माइग्रेशन खुद कीजिए और जितने भी पॉइंट्स हैं आप उनको फॉलो कीजिए, और जो फॉलो नहीं करेंगे उनके खिलाफ जो भी एक्शन है वो एटॉमी लेगी, राइट। ओके, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने टीम के अंदर जो भी एटॉमी ने जो 5 पॉइंट्स बताए हैं वो आपको फॉलो करने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा KYC कंप्लीट कीजिए। जितने कम समय में आप KYC कंप्लीट करेंगे, आपके लीडर्स ऑनलाइन प्रोडक्ट के ऑर्डर लगा पाएंगे। अगर आपकी आईडी पे KYC कंप्लीट नहीं होगी तो आप यहाँ पे ऑनलाइन परचेजिंग नहीं कर पाओगे। जो भी एटॉमी की वेबसाइट लॉन्च हो चुकी, 11 नवंबर को लॉन्च हो चुकी है, और काफ़ी लीडर्स सक्सेस ले चुके हैं और काफ़ी लीडर्स सक्सेस लेने वाले हैं यहाँ पे। तो सक्सेस लेने के लिए सबसे पहले आपको KYC करना होगा, तब आप प्रोडक्ट बाई कर पाओगे। विदाउट KYC आप लोग प्रोडक्ट बाई नहीं कर पाओगे, टीम स्ट्रक्चर नहीं देख पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी टीम तक पहुँचाइए और KYC कंप्लीट कीजिए 31 मार्च 2021 से पहले पहले, ताकि आप यहाँ से एटॉमी इंडिया परिवार के माध्यम से यहाँ पे एक बहुत बड़ी सक्सेस ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी टीम में अवेयरनेस हो, पता लगे कि एटॉमी इंडिया ने KYC की माइग्रेशन की जो डेट है वो 31 मार्च 2021 तक कर दी गई है। और इस चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और आपको एटॉमी की लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है, ग्लोबल इन्फॉर्मेशन है, वो हमारे चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।